हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरठ किचन। आज हम कोई रेसिपी नहीं बना रहे हैं, बल्कि आज हम आपको कुछ किचन टिप्स बता रहे हैं जो किचन में आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये छोटी छोटी बातें अगर आप किचन में ध्यान रखें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे पहले हम बात करते हैं प्याज की। हम जब भी प्याज काटते हैं तो हमारी आँखों से आंसू आने लगते हैं। अगर आप इस सबसे बचना चाहते हैं तो प्याज को काटने से पहले 10 मिनट के लिए ठंडे पानी में भिगो कर रख दें, उसके बाद काटें, बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास प्याज कम है तो आप गोल गोल स्लाइस में ना काट कर उसको पतला पतला लंबा लंबा काटें, प्याज ज़्यादा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लहसुन की। लहसुन छीलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, इसके लिए कलियों को अलग अलग करके 15 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दें, उसके बाद छीलें, आराम से छिल जाएगा। आलू, बैंगन और कच्चा केला, इन सब चीज़ों को काटने के बाद पानी में भिगो कर रख दें, जिससे कि ये काले नहीं पड़ेंगे। आलू और प्याज को कभी भी एक साथ स्टोर करके ना रखें, इससे आलू जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर आप बैंगन का भरता बना रहे हैं तो बैंगन को बीच में से कट करके उसमें बीच में लहसुन की कलियां लगा दें, उसके बाद उसको छील कर उसमें डाल दें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब बात करते हैं हम चावल की। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि चावल खिला खिला नहीं बनता। उसके लिए एक तो आप चावल को खुले बर्तन में बनाएं, दूसरे उसमें थोड़ा सा अगर नींबू का रस निचोड़ देंगे तो चावल बहुत अच्छा खिला खिला बनेगा। अगर कभी चावल में पानी ज़्यादा हो जाए, चावल चिपचिपे हो गए हैं, तो नीचे तवा गर्म करें, उसके ऊपर चावल का बर्तन रख दें, साथ ही चावल के ऊपर 2-3 वाइट ब्रेड की स्लाइस लगा दें, चावल अपने आप ठीक हो जाएगा। बात करते हैं आटे की। आटा गूंथते समय अगर हाथों पर चिपकने लगता है, पानी ज़्यादा हो गया है और आटा हमारा चिपक रहा है, तो आप थोड़ा सा हाथों पर रिफाइंड ऑयल लगा लें, उसके बाद आटे को गूंथें, आटा बिल्कुल नहीं चिपकेगा। आटा गूंथते समय आटे को इकट्ठा करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद उसको अच्छी तरह से गूंथ लें, उससे रोटी पराठे बहुत सॉफ्ट बनेंगे और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं नींबू के अचार की। अगर अचार पुराना हो गया और उसमें नमक इकट्ठा हो गया तो थोड़ी सी चीनी डाल दें और उसे हिला दें, अचार बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। धनिया को हरा बनाए रखने के लिए धनिया की जड़ काट दें, फिर एयरटाइट बॉक्स लें, उसमें ऊपर नीचे टिश्यू पेपर लगाएं, बीच में धनिया रख दें, धनिया हरा बना रहेगा। हरी मिर्च को ख़राब होने से बचाने के लिए हरी मिर्च की डंठल तोड़कर किसी एयरटाइट बॉक्स में फ्रिज में रख लें, मिर्च ख़राब नहीं होगी। मिर्च काटते समय हाथों में जलन होने लगती है, उसके लिए या तो हाथों पर तेल या घी लगा लें या फिर कैंची से ही मिर्च काटें, मिर्च हाथों में नहीं लगेगी। मटर को छील कर फ्रिज में एयरटाइट बॉक्स में रख लें, जब सब्जी बनाए फटाफट सब्जी में डाल सकते हैं, उससे टाइम की भी बचत हो जाएगी। अगर ग्रेवी वाली सब्जी या सूप में नमक ज़्यादा हो गया है तो आलू को छीलें और उसके 2 टुकड़े काट कर सब्जी में डाल दें, या फिर आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर सब्जी में डाल दें। आलू और आटे की लोई दोनों ही एक्स्ट्रा नमक को सोख लेंगे, जब सब्जी को सर्व करें उस समय आलू और आटे की लोई निकाल लें। अगर ग्रेवी वाली सब्जी पतली हो गई है और उसे गाढ़ा करना चाहते हैं तो एक पैन लें, उसमें घी डालें, फिर उसमें ब्रेड डालें, ब्रेड को अच्छी तरह से भून लें, फिर उसका चूरा करें और सब्जी में मिला दें, सब्जी गाढ़ी हो जाएगी, साथ ही खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगेगी। भिंडी की सब्जी बनाते समय आधा नींबू का रस या अमचूर पाउडर डाल दें, भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी। जब हम कटहल को काटते हैं तो वो हाथों पर चिपकने लगता है, उसके लिए हाथों पर सरसों का तेल लगा लें और नाइफ पर भी लगा लें, कटहल नहीं चिपकेगा। अगर कभी खीर या रबड़ी में मीठा तेज हो गया है तो 2-3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर दूध में घोलकर 3-4 मिनट तक पकाकर उसमें मिला दें, मीठा एकदम ठीक हो जाएगा। रायता बाद में खाना है तो उसमें नमक पहले से डालकर ना रखें, इससे रायता खट्टा हो जाएगा। जब रायते को सर्व करना है उसी समय नमक डालें। बेसन के गट्टे की सब्जी बनाते समय मोटा वाला बेसन यूज़ करें, उससे गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। बेसन की कढ़ी बनाते समय उसको धीमी आंच पर लगातार हिलाते हुए चलाएं, कढ़ी फटेगी भी नहीं, साथ ही एक सार बनेगी।
पास्ता और नूडल्स अगर उबालते उबालते ज़्यादा उबल गए हैं और चिपचिपे हो गए हैं तो उसे बहते हुए नल के नीचे ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लें और उस पर तेल लगा दें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के किचन के कुछ टिप्स, आप इन्हें आजमाएं और फिर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी ये टिप्स कैसे लगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।